हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने पैदल मार्च कर लॉकडाउन की स्थिति पर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। जालौर जिला कलेक्टर हिमांशु गुप्ता एवं पुलिस अधीक्षक हेमंत अभिलाष ने रविवार को शहरी क्षेत्र का औचक भ्रमण कर कोरोना संक्रमण बचाव व्यवस्थाओं के तहत लॉकडाउन, आवश्यक वस्तुओं के वितरण एवं चिकित्सा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। कलेक्ट्रेट से अस्पताल चौराहा, हरिदेव जोशी सकिरल, तिलक द्वार, गांची की पिलानी, सदर बाजार, गांधी चौक और सूरजपुर क्षेत्र में रिहायशी इलाकों एवं बाजार होते हुए पुनः कलेक्ट्रेट लौटे। उन्होंने इस दौरान प्रशासन का सहयोग करने का संदेश भी दिया। जिला कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक ने सदर बाजार के किराना व्यापारियों से वार्ता कर उनके यहां खाद्य सामग्री आदि के स्टॉक सहित दुकानों पर चस्पा रेट लिस्ट का अध्ययन कर कई जानकारी प्राप्त की। साथ ही उचित निर्धारित मूल्य पर सामग्री बेचने के लिए पाबंद किया। उन्होंने आटा मिल चक्कियों पर भी आटे के स्टॉक और बेचान मूल्य के बारे में दुकानदारों से पूछा। जिला कलेक्टर ने राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय में नवीन निर्देश के अनुसार संचालित ओपीडी में व्यवस्थाओं के बारे में फिजिशियन डॉक्टर हेमंत जैन से जानकारी ली। उन्होंने मेलकस में ओपीडी में इलाज कराने वाले व्यक्तियों की संख्या, समय और रजिस्टर संधारण का अवलोकन किया। ओपीडी में प्रतिदिन लगभग 150 व्यक्तियों की प्रतिदिन स्वास्थ्य जांच एवं दवाइयों के वितरण की व्यवस्थाओं के अलावा सोशल डिस्टेंसिंग प्रबंध माकूल पाए गए। इस दौरान वे मरीजों से मिले, उन्हें मिल रही सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की और उनकी समस्याओं का मौके पर ही निस्तारण करने के निर्देश दिए। इससे पूर्व जिला कलेक्टर ने मीडिया को कोरोना संक्रमण से बचाव एवं संदेहास्पद व्यक्तियों के लिए की जा रही स्वास्थ्य जांच की प्रक्रिया के बारे में तथा क्वारंटाइन प्रबंधों के बारे में बताया और मीडिया से भी ग्राउंड रिपोर्ट के बारे में जाना। इस दौरान प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उपखंड अधिकारी चंपालाल जीनगर, उप पुलिस अधीक्षक जयदेव नगर परिषद, आयुक्त ललित सिंह देढ़ा, पुलिस अधिकारी बाघ सिंह एवं जेठाराम, यातायात प्रभारी लीला चौधरी, सफाई निरीक्षक महावीर कुमार सहित अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी साथ थे। जालौर से जागरूक टीवी की रिपोर्ट।